बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज की क्लास में हमने पूरी प्रैक्टिकल बात करनी है बोरिंग कॉस्ट के ऊपर कि बोरिंग कॉस्ट कैप्टेशन कैसे परफॉर्म की जाएगी। तो बोरिंग कॉस्ट की कैप्टेशन परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले एक एनालिसिस करना जरूरी है कि जनाब कि जो आपने लोन्स लिए हैं, फंड्स लिए हैं, जो फंड्स जनरेट किए हैं उनको IAS 23 दो हिस्सों में तोड़ता है। ठीक है, वो फंड्स या वो लोन यानी वो फंड्स जो जनरेट हुए हैं स्पेसिफिक लोन्स के जरिए। अब स्पेसिफिक लोन्स क्या हैं बेटा? ठीक है जी, स्पेसिफिक लोन्स वो लोन है स्पेसिफिकली ऑब्टेन्ड फॉर acquisition construction or production of qualifying asset। ठीक है जी, वो लोन जो स्पेसिफिकली लिए गए हों, वो फंड्स जो स्पेसिफिकली जनरेट किए गए हों सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग एसेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, इस तरह समझिएगा। इनको हम एक नाम दे सकते हैं, वो क्या है? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, CWIP, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस लोन्स। यानी ये वो लोन्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस पर होने वाले एक्सपेंडिचर्स को फाइनेंस करने के लिए क्या किए, लिए गए हैं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस उन एसेट्स को बोला जाता है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन हो, जो अभी अवेलेबल फॉर यूज ना हो, तो उन पे काम जारी हो, वर्क इन प्रोग्रेस। लेकिन वो किस नेचर का काम हो? कैपिटल नेचर का। तो हम क्वालिफाइंग एसेट को कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, जब नेचर जो काम की नेचर हो वो कैप वर्क इन प्रोग्रेस हो, वो एसेट अभी अवेलेबल फॉर यूज ना हो, तो अगर बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है तो वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। अगर प्लांट अंडर इंस्टॉलेशन है तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। अगर वो जो नेटवर्क है 5G का, वो अभी अंडर इंस्टॉलेशन है तो वो क्या है? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, सो ऑन। ठीक है, तो वो लोन जो स्पेसिफिकली फाइनेंस करने के लिए लिए गए हों किसको? प्रोजेक्ट्स को, और वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन में फॉल करते हों, वो लोन्स कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को जनरेट करने के लिए या उन एसेट्स को डेवलप करने के लिए लिए गए हों जो क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन में फॉल करते हैं। ठीक है जी, और जनरल लोन्स क्या हैं? मल्टीपर्पज लोन, ठीक है, वर्किंग कैपिटल लोन, वर्किंग कैपिटल लोन। ठीक है, तो मल्टीपर्पज लोन है, वर्किंग कैपिटल लोन है, यानी कि वर्किंग कैपिटल मींस जो डे टू डे रनिंग कॉस्ट है बिजनेस की, सैलरीज पे करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, रेंट पे करना, क्रेडिटर्स को पेमेंट करना, अगर इनको फाइनेंस करने के लिए आपने लोन लिया है तो वो जनरल लोन है और वो वर्किंग कैपिटल लोन है, मल्टीपर्पज लोन है। उसके मकसद एक से ज्यादा है, यस और नो बेटा बताइए, जवाब दीजिए। यहां तक गुफ्तगू आपको समझ में आती है बेटा? सब लोग बताइए, रेस्पॉन्स दीजिए। अच्छा, अब देखें
अब अगर लोन आपने स्पेसिफिकली लिया है क्वालिफाइंग एसेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, एक्वायर करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, तो फिर तो उसकी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना मुश्किल बात नहीं है। लेकिन अगर आपने लोन लिया था वैसे जनरली, जैसे आपने 50 लाख का लोन लिया था, तो 50 लाख में से आपने 10 लाख खर्च कर दिए किस पर, क्वालिफाइंग एसेट पर, तो हो सकता है एक लोन जनरल लोन हो, लेकिन उस जनरल लोन का कुछ पोर्शन, 10% 20% पोर्शन जो है वो क्वालिफाइंग एसेट के लिए इस्तेमाल हुआ हो, यस और नो। तो एक लोन मल्टीपर्पज लोन है, उसमें साथ साथ उस लोन की कुछ यूटिलाइजेशन जो है, उस लोन से जनरेट होने वाले फंड्स की कुछ यूटिलाइजेशन जो है वो हुई हो किस चीज के लिए, क्वालिफाइंग एसेट के लिए, क्या मुमकिन है? जवाब। तो बेटा अब अगर अगर एक लोन स्पेसिफिक लोन है तो फिर तो उसका एक एक रुपया किस पे खर्च होगा, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग एसेट पर। तो उस लोन का जितना भी एक्चुअल इंटरेस्ट है ड्यूरिंग द सब्सटेंशियल पीरियड, वो पूरा का पूरा कैपिटलाइज होगा, एक्चुअल इंटरेस्ट। मिसाल के तौर पे अगर मैं बोलूं हमने 50 लाख रुपया लोन लिया है और ये पूरा 50 लाख रुपया सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग एसेट की कंस्ट्रक्शन पे खर्च होगा, और 50 लाख पे इंटरेस्ट कितना है, 10%, 1 साल का इंटरेस्ट कितना बना, 5 लाख रुपए, और ये पूरा 1 साल ही सब्सटेंशियल पीरियड था फॉर एग्जाम्पल, तो ये 5 लाख रुपए पूरे के पूरे कैपिटलाइज हो गए, ये 5 लाख रुपए पूरे के पूरे कैपिटलाइज हो गए, समझे बात को? जवाब दें। चूंकि वो लोन स्पेसिफिकली ऑब्टेंड हुआ था फॉर कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट, लेकिन अगर एक और लोन लिया है आपने 50 लाख का, जिसमें से आपने 5 लाख या 10 लाख रुपए क्वालिफाइंग एसेट पर खर्च किए, और अब उस 50 लाख पे इंटरेस्ट साल का बनता है 10%, वही 5 लाख, तब आप 5 लाख पूरा इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोन जनरल लोन है, उससे और यूजे उसके और यूजेस भी हुए हैं, तो फिर वहां पर आप कितनी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करेंगे, ये इशू आएगा। तो वहां से आप उतनी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करेंगे जितना आपने एक्सपेंडिचर किया है। जितना आपने एक्सपेंडिचर किया मतलब अगर आपने 10 लाख का एक्सपेंडिचर किया है, तो अब 10 लाख का निकाल लें 10%, 1 लाख, तो समझ लें 1 लाख रुपए जो है वो एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन है। लोन पर इंटरेस्ट तो 5 लाख पे करना है, लेकिन 5 लाख इंटरेस्ट में से जितना पोर्शन इस्तेमाल हुआ होगा क्वालिफाइंग एसेट की कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन में, उतना कैपिटलाइज कर देंगे, बाकी चार्ज कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये बुनियाद रखा हूं मैं आपके सामने। ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे एक्चुअल इंटरेस्ट ड्यूरिंग सब्सटेंशियल पीरियड, इज कैपिटलाइज। ठीक है, और यहां पर इंटरेस्ट इज कैपिटलाइज्ड ऑन वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर बाय अप्लाइंग व्हाट
कैपिटलाइजेशन रेट। ठीक है, अभी सारी तफसीलात आपके सामने आ रही है। मतलब अगर आपने लोन लिया स्पेसिफिकली टू एक्वायर टू कंस्ट्रक्ट और टू प्रोड्यूस अ क्वालिफाइंग एसेट, तो फिर उस लोन का जो एक्चुअल इंटरेस्ट है जो उसके एक्चुअल प्रिंसिपल अमाउंट पे कैलकुलेट होगा ड्यूरिंग द सब्सटेंशियल पीरियड वो कैपिटलाइज होगा। ठीक है, और अगर आपने लोन लिया है जनरली जिससे आप और काम भी कर रहे हैं, सैलरी भी पे कर रहे हैं एम्प्लॉयज को और रेंट पे कर रहे हैं लैंडलॉर्ड को, पेमेंट कर रहे हैं क्रिएटर्स को, सप्लायर्स को, लेकिन कुछ पोर्शन आपने उसका इस्तेमाल कर लिया किस काम के लिए, क्वालिफाइंग एसेट की कंस्ट्रक्शन के लिए, तो फिर आपने जितना एक्सपेंडिचर किया है उसका हम वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर निकालेंगे और उस वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर पर एक रेट अप्लाई करेंगे, इसको नाम देंगे हम कैपिटलाइजेशन रेट का। तो ये कैपिटलाइजेशन रेट क्या होता है, सारी बातें अभी आपके सामने आ जानी है। हाँ, लेकिन होता यह है कि स्पेसिफिक लोन का, क्योंकि हर एक रुपया खर्च होना होता है क्वालिफाइंग एसेट के लिए, तो होता है बाज दफा स्पेसिफिक लोन से जनरेट होने वाला फंड हमारे पास जो है वो इजाफी पड़ा होता है, यानी वो अपना एक्सपेंडिचर जो उसका होना होता है वो पेंडिंग होता है। तो एक्चुअल इंटरेस्ट ड्यूरिंग सब्सटेंशियल पीरियड कैपिटलाइज, सरप्लस लेस इन्वेस्टमेंट इनकम, फ्रॉम सरप्लस फंड्स पेंडिंग देयर एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, सरप्लस फंड पेंडिंग देयर एक्सपेंडिचर। तो एक्चुअल इंटरेस्ट आप निकालें उन लोन्स पर जो आपने स्पेसिफिकली लिए हैं क्वालिफाइंग एसेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, और उन लोन के अगर फंड्स अभी इस्तेमाल में नहीं आ रहे, वो खर्च होंगे टाइम ब्रेक के साथ, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, तो जो सरप्लस फंड्स हैं उनको आप टेम्परली इन्वेस्ट कर दें। उस इन्वेस्टमेंट से जो आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम आए उससे आप क्या करें, अपनी बोरिंग कॉस्ट को रिड्यूस कर दें। ये तमाम ट्रीटमेंट अभी हमने प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखने हैं। तो ये मैंने आपके सामने ये सारी समरी बना दी, यहाँ पर ये आपके पास स्टैंडर्ड में मौजूद है और अगर आप इसको स्टैंडर्ड से भी रीड कर सकते हैं। नाउ जरा देखिएगा पैराग्राफ नंबर 12 क्या बोलता है, वही बात बोल रहा है जो मैंने आपको भी लिखवाई है। इन शॉर्ट, टू द एक्सटेंट दैट एंटिटी बोरोस फंड्स स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग अ क्वालिफाइंग एसेट, द एंटिटी शैल डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन एज द एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट, यानी जो उसके प्रिंसिपल अमाउंट पर जो एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट होगी वही कैपिटलाइज होगी, इनकर्ड ऑन बोरोइंग ड्यूरिंग द पीरियड, द पीरियड मीन्स द सब्सटेंशियल पीरियड, लेस एनी इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन टेम्पररी इन्वेस्टमेंट ऑफ दोज बोरोइंग्स। उन बोरोइंग से जनरेट होने वाले फंड्स को अगर हम अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे, जैसे हमने 50 लाख का लोन लिया है तो हमने कॉन्ट्रेक्टर को उसमें 10 लाख दे दिए हैं और 40 लाख अभी देना बाकी है, तो 40 लाख देने में टाइम लगेगा, तो उस 40 लाख को कहीं प्लेस कर दो बैंक अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में, और उसे इन्वेस्ट कर दो, और उससे जो इनकम आएगी उस इनकम से अपनी बोरिंग कॉस्ट को रिड्यूस कर दो। तो लेस व्हाट, एनी इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन टेम्पररी इन्वेस्टमेंट ऑफ दोज बोरोइंग। स्पेसिफिक लोन का 1 रुपया खर्च होगा किस पर, क्वालिफाइंग एसेट पर। अगर कुछ भी हिस्सा कहीं और खर्च हो गया तो फिर वो स्पेसिफिक लोन नहीं है। तो स्पेसिफिक लोन की एक प्रॉपर्टी है, वो क्या है कि स्पेसिफिक लोन का 1 रुपया खर्च होगा क्वालिफाइंग एसेट पर। नंबर टू, अगर उसके आपके पास फंड्स बचे हुए होंगे और उनके खर्च होने में क्या होगा, टाइम होगा, तो आप उसको इन्वेस्ट कर देंगे, तो स्पेसिफिक लोन से जनरेट होने वाले फंड्स पर आप क्या जनरेट कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट इनकम। नंबर थ्री, स्पेसिफिक लोन का साइज जो होगा वो आपके एक्चुअल एक्सपेंडिचर पर, मतलब अगर एक बिल्डिंग बनानी है, वो बिल्डिंग आपने बनानी है, उस पर आपका उसका कॉस्ट खर्च होना है 100 मिलियन, तो स्पेसिफिक लोन एग्जैक्टली आपके कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के बराबर होगा। जितना खर्चा आपने करना है उतना ही आपने लोन लिया होगा या उससे कम होगा, उससे एक्सीड नहीं कर सकता। अगर मैंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है 100 मिलियन की और बेटा मैंने लोन ले लिया है 200 मिलियन का, तो फिर जो इजाफी 100 मिलियन है वो किसी और काम में खर्च होंगे कि नहीं होंगे, जवाब दें यस और नो, जवाब दें यस और नो।
स्पेसिफिक लोन की पहचान है। बाज दफा क्वेश्चन बोल देता है ये लोन स्पेसिफिक है तो मसला नहीं होता, जहां क्वेश्चन बोलता है ये लोन, जहां क्वेश्चन खामोश रहता है वहां हम स्पेसिफिक लोन को पहचानेंगे, स्पेसिफिक लोन को पहचानेंगे। उसकी पहचान मैंने आपको बता दी, उसका एक एक रुपया किस पे खर्च होगा, क्वालिफाइंग एसेट पर। उसके जो सरप्लस फंड्स होंगे वो इन्वेस्ट हो जाएंगे ताकि कहीं और खर्च ना हो सके, उसकी इन्वेस्टमेंट इनकम आपकी बोरिंग कॉस्ट को रिड्यूस करेगी। और जो स्पेसिफिक लोन होता है उसका जो टोटल साइज होता है या तो वो आपके टोटल एक्सपेंडिचर के बराबर होता है, उससे कम होता है, उससे एक्सीड नहीं करता। अगर वो लोन का साइज उससे एक्सीड कर गया, इसका मतलब क्या हुआ, फिर उसके जो पैसे इजाफी हैं वो किसी और काम में खर्च होंगे, जब किसी और काम में खर्च होंगे तो वो मल्टीपर्पज लोन हो गया। ठीक है जी, तो जो पैराग्राफ नंबर 12 हमने पढ़ा है जिसमें हमने स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना सीखा है, हम इसी को इसी पे एग्जांपल लेने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं बेटा, फिर हम जनरल बोरिंग कॉस्ट को बाद में लाते हैं। नाउ एक क्वेश्चन बनाते हैं यहां पर, an entity started construction of factory building on First February 2018 and incurred the following expenditure. Date expenditure first February को आपने payment की contractor को, $1,200,000। ठीक है जी, उसके बाद फर्स्ट अप्रैल को आपने पेमेंट की कॉन्ट्रैक्टर को, $1,800,000। फर्स्ट जुलाई को आपने पेमेंट की आपने 1,000,000 की, और लास्ट पेमेंट की आपने 31 अक्टूबर को, वो पेमेंट की आपने कितनी, $1,500,000. The building was completed and The building was completed on 31 December 2018 and will be
अवेलेबल फॉर यूज ऑन 1 January 2019 to finance above expenditure loan of rupees कितना संबंध था एक्सपेंडिचर का, मैं उतना ही दिखा रहा हूं. 1.2 1.8 3 हो गया 4 5.5 लोन ऑफ रुपीज 5,500,000 वॉज obtained specifically for qualifying asset. ठीक है जी. At 10%. Surplus funds are invested at 6%. ठीक है जी. Required. रिक्वायर्ड क्या है? जर्नल एंट्रीज related to CWIP capital work in progress.
बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड ठीक है बैलेंस ऑफ CW IP एंड नंबर फोर SO FP and SO CI extracts ठीक है जी। तो अब ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया बेटा, अब अच्छा खासा क्वेश्चन बन गया आपके लिए। इतना कोई मुश्किल बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन जब डेटा इतना बड़ा कंपाइल हुआ तो ये क्वेश्चन इतना बड़ा बन गया आपके सामने। एक एंटिटी ना देखें इसमें कुछ बातें काबिले गौर। सबसे पहले सोचना क्या है, सबसे पहले सोचना ईयर एंड क्या है। ईयर एंड इज इंपॉर्टेंट, ईयर एंड का नहीं सोचो तो मसला हो जाएगा। मान लें कि ईयर एंड 31 दिसंबर है बस, ठीक है जी। ईयर एंड 31 दिसंबर है तो सबसे पहली बात, लोन कब लिया जल्दी बताइए सब लोग, लोन कब लिया, लोन कब लिया, लोन कब लिया, कोई जल्दी बताइए सब लोग बेटा, लोन कब लिया। आप सबके रिस्पांस का मुंतजर बेटा, बोलिए। लोन कब लिया, लोन लोन कब लिया, देखो टू फाइनेंस Above expenditure, loan of rupees 5 was obtained specifically for college. अच्छा मैंने mention नहीं किया, okay. मैंने mention नहीं किया. Loan to finance above expenditure, loan of rupees 5 million was obtained. यहाँ लिख दो. On 1st January. चले अब मान लेंगे लोन कब लिया, अब बताइए सब लोग लोन कब लिया, लोन कब लिया। अच्छा लोन लिया 1st January 2018 को, सही है जी, ओके। एसेट की कंस्ट्रक्शन कब खत्म हो रही है, एसेट की कंस्ट्रक्शन कब मुकम्मल हो रही है, 31 दिसंबर 2018 को, वही एक ही बात है। 1st January 2019 बोलूं या 31 2018 बोलूं, बात एक ही है। अच्छा हमारा ईयर एंड क्या है, हमारा ईयर एंड क्या है, 31 दिसंबर। इन तमाम बातों को ध्यान में रखना। देखें इसका मतलब क्या है, लोन लिया 1st January 2018 को, तो सोचना यह है कि इस अकाउंटिंग पीरियड में इस लोन पर कितना इंटरेस्ट ड्यू हुआ, कितने मंथ्स का इंटरेस्ट ड्यू हुआ,
12 महीने का, जबरदस्त। लेकिन इन 12 महीनों में कितना इंटरेस्ट सब्सटेंशियल पीरियड से बिलोंग करता है, कितने मंथ्स का इंटरेस्ट, सब्सटेंशियल पीरियड कितने मंथ्स का है। कंस्ट्रक्शन शुरू हो रही है फरवरी से, 11 मंथ्स का। अब बताइए इस 55 मिलियन के लोन पर मैं कितने मंथ्स का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करूंगा, 12 महीने का या 11 महीने का। 11 महीने का, बेहतरीन बात। तो ये बात आपको समझ में आ रही है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या, मैं इस क्वेश्चन की तरह वर्किंग शुरू कर रहा हूं। अच्छा, इसकी रिक्वायरमेंट मैंने मुख्तलिफ रखी हुई है और ये मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट से पेपर में आता रहता है सवाल। अच्छा, रिक्वायरमेंट क्या है, जनरल एंट्रीज रिलेटेड टू सीडब्ल्यूआईपी। तो फिर मैं इसके अंदर लोन लेने की एंट्री बनाऊंगा, सिर्फ सीडब्ल्यूआईपी से रिलेटेड एंट्रीज पास करूंगा। बोरिंग कॉस्ट कितनी कैपिटलाइज होगी, मैं वर्किंग नंबर टू से बात शुरू कर रहा हूँ, क्या ख्याल है। मैं रिक्वायरमेंट नंबर टू जो ना उससे शुरू कर रहा हूँ क्वेश्चन को, जरा देखिएगा प्लीज। फिर मैं सारे काम साथ साथ परफॉर्म करता हूँ, उसको रिकनसाइल कर दूंगा आपस। मैं रिक्वायरमेंट नंबर टू पहले सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा, रिक्वायरमेंट नंबर टू से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। और लगाई मैंने हेडिंग, बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड। ठीक है, जवाब दें, बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज, सही है जी। तो उस बोरिंग कॉस्ट को नाम क्या दूं मैं, स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट। ठीक है जी, स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट, तवज्जो साहब सबकी। स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट हमेशा जो प्रिंसिपल है उस पर वर्कआउट की जाएगी। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग। प्रिंसिपल पर जो एक्चुअल इंटरेस्ट होगा वो एक्चुअल इंटरेस्ट जितना बिलोंग करेगा सब्सटेंशियल पीरियड से उतना कैपिटलाइज कर देंगे। तो हमने कहा जनाब इस लोन का एक्चुअल प्रिंसिपल कितना है, 5,500,000। ये क्या बन गया, पी बन गया। मल्टीप्लाई करो किससे, आर से। रेट कितना है, 10%। मल्टीप्लाई बाय टाइम, अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 12 मतलब इसको मल्टीप्लाई बाय 1 कर दूं तो एक साल पूरा काउंट हो जाएगा। तो क्या मुझे पूरे एक साल का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना है, ये एक साल में से 11 महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना है। क्या जनवरी का इंटरेस्ट मैं कैपिटलाइज करूं, क्योंकि बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन कमेंसमेंट कहां से शुरू होगी, उस पॉइंट से शुरू होगी जहां पर एंटिटी ने फंड बोरो कर लिया, उसने एक्सपेंडिचर करना क्या कर दिया, इनकर कर दिया। तो फंड्स तो उसने जनवरी को बोरो कर लिए थे, लेकिन एक्सपेंडिचर इनकर कब से शुरू हुआ, फरवरी से। तो अब जो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन है वो कहां से शुरू होगी, फरवरी के मंथ से। तो मल्टीप्लाइड बाय 11 डिवाइड बाय 12, क्योंकि ये आंसर तो पूरे साल का है। पहले इसके करें कितने हिस्से, 12 हिस्से, और फिर कर दें इसको मल्टीप्लाई बाय 11। क्या आंसर आएगा, 5,04,167। ठीक है जी, राउंड कर दें इसको आप लोग, करेक्ट, यस। अब क्या करें, इसमें से लेस करें, क्या लेस करें, इन्वेस्टमेंट इनकम। क्या लेस करें, इन्वेस्टमेंट इनकम, जवाब दें। क्या लेस करें, इन्वेस्टमेंट इनकम। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जो हमने लोन लिया उसका इंटरेस्ट हम लायबिलिटी पे क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, लायबिलिटी पे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन इस लोन से हमारे पास जो पैसा जनरेट हुआ, जिससे हमारा कैश या बैंक डेबिट हुआ है,
उस फंड्स को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बताइए 1 जनवरी को जब हमने ये लोन लिया था तो हमारे पास कितने फंड्स जनरेट हुए, कितने फंड्स जनरेट हुए? जब 1 जनवरी को हमने लोन लिया था तो हमारे पास कितने फंड, पैसा कितना जनरेट हुआ, पैसा कितना क्रिएट हुआ? जवाब दीजिए सब लोग, 5.5 मिलियन। तो क्या जनवरी के मंथ में हमने इस 5.5 मिलियन को खर्च किया? नहीं खर्च किया। हमें इस 5.5 मिलियन में से पैसों की जरूरत कब पड़ रही है, जनवरी में या फरवरी में? फरवरी में। इसका मतलब ये हुआ ये 5.5 मिलियन पूरा अमाउंट कम से कम एक महीने के लिए तो इन्वेस्ट रह सकता है ना। ये जनवरी के मंथ में तो इन्वेस्ट रह सकता है ना, जनवरी के मंथ में इन्वेस्टमेंट तो उसकी कमाई जा सकती है ना, ठीक है ऐसा ही है। लेकिन क्या जनवरी का मंथ जो है, लेकिन क्या जनवरी का मंथ जो है वो सब्सटेंशियल पीरियड में फॉल करता है? नहीं। तो हम अगर हम जनवरी के मंथ की बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं कर रहे तो हम इन्वेस्टमेंट इनकम भी उस बोरिंग कॉस्ट से लेस नहीं कर सकते। अगर हम जनवरी के मंथ की बोरिंग कॉस्ट को चार्ज कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो हम इस इन्वेस्टमेंट इनकम को भी ले जाएंगे कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमें यहां से उतनी बोरिंग कॉस्ट लेस करनी है, यहां से हमें उतनी बोरिंग कॉस्ट लेस करनी है, मतलब हमें उतना ही पोर्शन लेस करना जितना हम कैपिटलाइज कर रहे हैं, मतलब उसी पीरियड की, जिस पीरियड की हम बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कर रहे हैं उसी पीरियड की हम इन्वेस्टमेंट इनकम भी इसमें से लेस करेंगे, और जिस पीरियड की बोरिंग कॉस्ट जो है वो चार्ज होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसकी इन्वेस्टमेंट इनकम भी इनकम मानी जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जरा बताइए अब मैं यहां से इन्हीं मतलब कैपिटलाइजेशन पर्पस के लिए बोरिंग इन्वेस्टमेंट इनकम कहां से कैलकुलेट करूं? कैपिटलाइजेशन पर्पस के लिए मैं इन्वेस्टमेंट इनकम कहां से कैलकुलेट करूं, जनवरी से या फरवरी से? फरवरी से बेहतरीन। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब बहुत तवज्जो चाहिए होगी आप सबकी, बहुत तवज्जो। अब मैं लिख रहा हूं यहां पर 1 फरवरी। अच्छा जी, तो 1 फरवरी को मेरे पास 5.5 मिलियन थे, उसमें से मैंने पेमेंट कर दी, कितनी पेमेंट कर दी, 1.2 मिलियन की पेमेंट कर दी उसमें से। जवाब दीजिए भाई 1 फरवरी को पेमेंट हुई कि नहीं हुई? तो बताइए 1 फरवरी को पहली पेमेंट करने के बाद, 1 फरवरी को पहली पेमेंट करने के बाद मेरे पास कितने फंड्स बचे? कितने फंड्स बचे? 4,300, सही है ना? 1 फरवरी को पेमेंट करने के बाद मेरे पास कितने फंड्स बचे? 4,300, ऐसा ही है। तो 1 फरवरी को मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए कितना अमाउंट अवेलेबल है? 4,300, क्योंकि जो खर्च हो गया वो तो इन्वेस्ट रहा जनवरी में, लेकिन अब वो जो खर्च होने के बाद बचा वो फरवरी से इन्वेस्ट हो गया। अब ये इन्वेस्ट रहेगा कब तक? जब तक के अगली पेमेंट की बारी ना आ जाए। अगली पेमेंट कब है? अगली पेमेंट कब है? इन पैसों की जरूरत कब पड़ेगी मुझे? अप्रैल की पहली तारीख को। यानी कि ये 4,300 रुपए इन्वेस्ट रहे, ये 4,300 रुपए इन्वेस्ट रहे फरवरी और मार्च में, 2 महीने, यस और नो? ये 4,300 रुपए इन्वेस्ट रहे फरवरी और मार्च में, क्योंकि अप्रैल की तो पहली तारीख को मुझे पैसों की जरूरत पड़ जाएगी, ठीक है? जवाब दे सब लोग। सब लोग रिस्पॉन्स करें।
तो मैंने कहा भाई मैं इन्वेस्टमेंट इनकम निकाल रहा हूं पहली फरवरी से लेकर 31 मार्च 2018 की, जो कि बनेगी कितने अमाउंट पर, 4,300,000 पर, जो कि मेरे पास सरप्लस फंड है 1200 का एक्सपेंडिचर करने के बाद, और इसको मल्टीप्लाई किया मैंने इन्वेस्टमेंट इनकम के रेट से, मल्टीप्लाई बाय 0.06 6% और मल्टीप्लाई बाय 2 / 12। बोलिए क्या आंसर आता है, सब लोग बताइए क्या आंसर आता है, 43 कैसे आ रहा है, 6% है ना बेटा, इन्वेस्टमेंट का रेट 6% है, 43,000 आ रहा है कंफर्म। ठीक है जी, अब उसके बाद मैं कहां पहुंच गया, 1 अप्रैल को, और 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को मेरे पास 4.3 मिलियन रुपीज हैं, जिसमें से मैं 1.8 मिलियन और खर्च कर देता हूं। बेटा फुजैल 10% पे तो हमने लोन लिया है ना, तो हमने उधार लिया 10% पर, आगे इन्वेस्ट किया 6% पर, सेम कैसे हो सकता है, एक चीज के खरीदने और बेचने वाले दाम सेम कैसे हो सकते हैं, मतलब डॉलर्स के बेचने वाले रेट अलग होंगे, खरीदने वाले अलग होंगे, ताकि डिफरेंस प्रॉफिट कमा सके। तो बैंक में जब हम पैसा सेव करते हैं तो हमें कम इंटरेस्ट मिलता है, जब हम लोन लेने जाएंगे तो हमें ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज होगा, ये एक नेचुरल बात है। तो हमने लोन खुद लिया है 10% पर, आगे सेव किया है 6% पर, ठीक है फुजैल, जवाब दीजिए बेटा, क्वेश्चन रीड करें। अच्छा जी, तो 1 अप्रैल को हमारे पास कितने फंड्स अवेलेबल थे बेटा, 4,300,000 के फंड्स अवेलेबल थे, यस और नो बोलिए। 1 अप्रैल को हमारे पास 4,300,000 के फंड्स अवेलेबल थे, यस और नो क्विक। अब 1 अप्रैल को हम उसमें से कितना खर्च करने जा रहे हैं, कितना खर्च करने जा रहे हैं बेटा, कितना खर्च करने जा रहे हैं, 1.8, जबरदस्त। जब हमने 1.8 मिलियन खर्च कर दिए तो अब हमारे पास 1 अप्रैल को रिमेनिंग कितना अमाउंट बचा, 4.3 माइनस 1.8 2.5 मिलियन, और इस 2.5 मिलियन की हमें जरूरत कब पड़ेगी बेटा, 1 जुलाई को, जब हमें उसमें से मजीद 1 मिलियन का करना हो, खर्च करना हो। इट मींस दैट 2.5 मिलियन आपके पास अवेलेबल है कब तक, अप्रैल मई और जून, कितने मंथ्स, 3 मंथ्स, क्योंकि जुलाई में आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ, आपने कहा 4.3 मिलियन में से 1.8 मिलियन खर्च करने के बाद आपके पास 1 अप्रैल को सरप्लस फंड्स बचे 25 लाख के, जवाब दें, और ये आपके पास अवेलेबल हैं कब तक, 30 जून तक, जुलाई में आपको जरूरत पड़ेगी पैसों की, और आपने इस तरह इन पर 6% इंटरेस्ट अर्न कर लिया, कितने मंथ्स का, 3 मंथ्स का, अप्रैल मई और जून, कितना बना बेटा, थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड। कैसे बेटा हमजा, सब कंफर्म कर लें बेटा, 2.5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 0.06 मल्टीप्लाई बाय 3 / 12, ठीक है जी। उसके बाद अब हम कहां पहुंच जाएंगे बेटा, अब हम पहुंच जाएंगे 1 जुलाई को, और 1 जुलाई को हमारे पास 2.5 मिलियन पड़े हुए हैं, और 2.5 मिलियन में से अगर 1 मिलियन हम क्या कर देंगे, खर्च कर देंगे 1 जुलाई को, तो
2.5 मिलियन में से अगर हम 1 मिलियन खर्च कर दें 1 जुलाई को, तो हमारे पास कितनी रकम बच जाएगी 1 जुलाई को? 1.5 मिलियन, जो हम इस्तेमाल कब करेंगे? 31 अक्टूबर को। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास 1.5 मिलियन रुपीस बच गए 1 जुलाई को, जो कि हम इस्तेमाल करेंगे अक्टूबर की 31 तारीख। इसका मतलब क्या हुआ? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है इन्वेस्ट करने के लिए। कितने मंथ्स के लिए? 4 मंथ्स के लिए। कितना हुआ? 30,000। अब हम जैसे ही पहुंचेंगे 31 अक्टूबर को, तो ये 1.5 मिलियन भी खर्च हो चुका होगा, यस और नो? तो फिर हमारे पास 31 अक्टूबर से दिसंबर तक इन्वेस्ट करने के लिए कोई 1 रुपया भी नहीं होगा, तो हमारी इन्वेस्टमेंट इनकम यहीं पे एंड हो जाएगी। हमारी इन्वेस्टमेंट इनकम यहीं पे एंड हो जाएगी। चलें, अब आप मुझे इस इन्वेस्टमेंट इनकम का सम करवा दें। सम कितना हुआ? एक लाख दस हजार पांच सौ। क्या मतलब बेटा? हमने लोन लिया था क्वालिफाइंग एसेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उस पर हमने बोरिंग कॉस्ट इनकर की 5,04,167 रुपए, लेकिन हमारे पास जो फंड्स थे उसके जरिए हमने पैसा इन्वेस्ट करके अपनी बोरिंग कॉस्ट को हमने रिड्यूस कर लिया, अपना बर्डन हमने क्या कर लिया? कम कर लिया। तो हमारी बोरिंग कॉस्ट कम हो गई, बर्डन हमारा कम हो गया। कितने से कम हो गया? 1,10,500 से। तो फिर नेट अमाउंट कितना बना बोरिंग कॉस्ट का जो कैपिटलाइज करेंगे हम? नेट अमाउंट 5,04,167 माइनस 1,10,500। तो नेट अमाउंट जो कैपिटलाइज होगा, जिसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट, कितना? सब लोग बोलिए। 393,667। ठीक है जी, क्या ये बात समझ में आती है आपको बेटा? यहां तक समझने में कोई डिफिकल्टी? बोलिए, जवाब दीजिए। ठीक है जी, अब जरा इसकी एंट्रीज देख लीजिए। एंट्रीज बना के दिखा रहा हूं मैं आपको। एंट्रीज क्या है? एंट्रीज क्या है? सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन पे कितना पैसा खर्च किया बताइए? कौन सी तारीख को पहला खर्चा हुआ कंस्ट्रक्शन पे? कितना खर्चा हुआ? सबसे पहला खर्चा हुआ 1 फरवरी को। कितना? 12 लाख रुपए। तो ये हमने कैपिटल वर्क इन, लोन लेने की एंट्री नहीं बना रहा हूं मैं, ठीक है? मैं डायरेक्ट, क्योंकि वो लोन लेने की एंट्री तो आपको बनाना आती है। आपने कहा 1 फरवरी 2018, आपने कहा CWIP, आपने कहा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट 1,200,000। ये क्या हुआ? एक्सपेंडिचर हुआ है। इतने से एसेट पे काम हुआ है, इतने से एसेट कंस्ट्रक्ट हुआ है, इतनी मालियत का एक्सपेंडिचर इनकर हो गया है, इतनी मालियत का एक्सपेंडिचर हमने पे कर दिया है। यानी समझ लो 12 लाख की मालियत की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो चुकी है, यहां से कंस्ट्रक्ट होना शुरू हुई है। बैंक क्रेडिट, ठीक है जी,
सीडब्ल्यूआईपी डेबिट बैंक क्रेडिट, तो ये कहलाएगा एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसेट। ये तो कैपिटलाइज होगा एज पर आईएएस 16, ठीक है ना, ये कैपिटलाइज हो रहा है एज पर आईएएस 16, जो काम हो रहा है अगर आप इसको खुद से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अगर मिसाल के तौर पर ये सीमेंट है, ये सीमेंट की कीमत है, ये सरिये की कीमत है, ये क्या कहते हैं दीगर मटेरियल की कीमत है, ये लेबर की कॉस्ट है, सारी कॉस्ट आप बिल्डिंग की कॉस्ट में कैपिटलाइज करें किस नाम से, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। जवाब दें बेटा। अगला अगला ट्रांजेक्शन कब हो रहा है बताइए जरा, अगला ट्रांजेक्शन, अगला एक्सपेंडिचर कब हो रहा है? 1 अप्रैल। CWIP डेबिट $1,800,000। बैंक क्रेडिट कितने से? $1,800,000। जवाब दें। एक सवाल पूछूं यहां पर आपसे, ये हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं तो ये पैसे खर्च होने से हमारा लोन खत्म हो रहा है क्या? अब तक हमारा लोन 3 मिलियन से खत्म हो चुका है? जवाब दें। क्या अब तक हम इस लोन को 3 मिलियन से खत्म कर चुके हैं? यह बोला जाएगा। क्या लोन खत्म हो रहा है या लोन से जनरेट होने वाला फंड खत्म हो रहा है? लायबिलिटी तो उस वक्त तक खत्म नहीं हो सकती जब तक के लायबिलिटी रीपे ना हो जाए, तो लायबिलिटी बाकी है ना। लायबिलिटी तो उतनी, लायबिलिटी तो पूरे 12 महीने कितनी रही है? फंड खत्म हो रहा है, जबरदस्त। लायबिलिटी तो पूरे 12 महीने कितनी रही है? 5.5 मिलियन। लायबिलिटी में अब तक कोई फर्क नहीं आया, तो ये लोन से जनरेट होने वाला फंड खत्म हो रहा है और उसी फंड को हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जितना बच रहा है उतना इन्वेस्ट कर रहे हैं। कुछ समझ पा रहे हैं बात को? तो लायबिलिटी जब चेंज नहीं रही, तो पूरे तो लायबिलिटी पे जो हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया हो तो पूरा 5.5 मिलियन पे कैलकुलेट होगा ना बेटा। अच्छा जी, अब बताइए नेक्स्ट एक्सपेंडिचर कब हो रहा है? 1 जुलाई को। कितना हो रहा है? 1 मिलियन का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट 1 मिलियन से। बैंक क्रेडिट कितने से? 1 मिलियन से। सही है, जवाब दीजिए। ठीक है जी, और उसके बाद आप कहां पहुंचते हैं? 31 अक्टूबर 2018 को, और आप एंट्री बनाते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट 1,500,000 से, और बैंक क्रेडिट 1,500,000। इस तरह सारे फंड्स हमने खत्म कर दिए। तो जरा बताइए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने पर अब तक हम कितना खर्चा कर चुके हैं? एक्सपेंडिचर कितना इनकर कर चुके हैं? टोटल 5.5 मिलियन। 5.5 मिलियन तो बिल्डिंग की कॉस्ट का पार्ट बनेगा ही बनेगा, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 5.5 मिलियन का कैपिटलाइज ना तो आईएएस 16 में फॉल करता है, लेकिन इस 5.5 मिलियन का खर्चा करने के लिए जो हम बोरोइंग कर रहे हैं, उस बोरोइंग की जो बोरोइंग कॉस्ट है वो इसमें इसके अलावा कैपिटलाइज होगी, यस और नो? जवाब दें। अब क्या करने जा रहा हूं बेटा, अब मैं पहुंचता हूं क्या कहां पर? 31 दिसंबर। और मान लेता हूं एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट मतलब
यानी ये पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट ड्यू है, रिसीव नहीं हुआ फॉर एग्जाम्पल, तो अब इंटरेस्ट ड्यू है लेकिन पे नहीं हुआ फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे बताओ जिससे मैंने लोन लिया था उसको मैंने इंटरेस्ट 12 महीने का पे करना है 11 महीने का पे करना है? भाई जिससे लोन लिया था उसका क्या ताल्लुक इस बात से? वो तो बोलेगा तुमने 12 महीने लोन ले लिया है, 12 महीने हो चुके हैं, मुझे पूरा इंटरेस्ट दो यार, इंटरेस्ट तो मुझे 12 महीने का पे करना है ना। इसका मतलब क्या हुआ? अब मैं अगर इस इंटरेस्ट को ड्यू मानता हूं तो मैं क्या करूंगा? अगर पेड होगा तो मैं कैश या बैंक क्रेडिट कर दूंगा, लेकिन फर्ज करें मैं इसको ड्यू मान लेता हूं, तो मैंने बोला इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट 5,500,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, तो पूरे साल का इंटरेस्ट कितना बना बेटा? पांच लाख पचास हजार। मैंने कहा इस लोन पर मुझ पर पूरे साल में कितना इंटरेस्ट ड्यू हुआ? 5,50,000। वो इंटरेस्ट मुझ पे ड्यू है, मुझ पे लायबिलिटी है, ये क्रेडिट हो गया। अब डेबिट क्या करूं? जितना इंटरेस्ट अब 5,05,000 में से एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन है उतने से CWIP डेबिट कर दो, जवाब दो। और वो कितना है? 5,50,000 में से कितना इंटरेस्ट, 11 महीने का इंटरेस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन है कि नहीं है, उसको मैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में ऐड कर दूं। कितना निकाला हुआ है हमने तो भाई, अभी तो कैलकुलेट किया था भाई, खामोश हो गए सब लोग यार, गलत यार, 110.5 थोड़ी हो तो इन्वेस्टमेंट इनकम है हमजा। चलो बेटा आ जाओ पिछले पेज पर, जो एक वो है जो मैंने रिसीव करना है और एक जो है मैंने पे करना। पांच लाख चार हजार तो मैंने कहा 5,04,000 167 से CWIP डेबिट, सही है। और जो डिफरेंस है वो 5,50,000 में से बाकी निकाल दो, 550 में से बाकी जो बचा वो क्या है? वो एक महीने का इंटरेस्ट है, यस और नो? वो जनवरी का इंटरेस्ट है, और जनवरी में सब्सटेंशियल पीरियड फॉल नहीं करता, तो क्या करूं इस 45,833 को? क्या करूं? चार्ज करूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 45,833, ऐसे ही है, जवाब दें। ये बात सबको समझ में आती है कि भाई इस लोन पर मुझ पे इंटरेस्ट ड्यू हुआ पूरे साल का 5,50,000, जिसमें से 11 महीने का इंटरेस्ट बिलोंग करता है क्वालिफाइंग एसेट की कंस्ट्रक्शन से, वो कैपिटलाइज कर दिया, बाकी एक महीने का इंटरेस्ट जो है वो सब्सटेंशियल पीरियड से बाहर मौजूद है, उसको कैपिटलाइज नहीं होने दिया, उसको चार्ज कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या ख्याल है? अच्छा, अब जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है उस पे मुझे इंटरेस्ट मिलना है या मैंने इंटरेस्ट देना है? मिलना है। कितना मिलना है? कितना मिलना है? जो मैंने लोन लिया उस पे तो इंटरेस्ट मैं पे करूंगा, जो मैंने सेविंग की उस पे इंटरेस्ट क्या करूंगा? मैं रिसीव करूंगा। वो तो 6% नहीं, टोटल अमाउंट पूछ रहा हूं, टोटल अमाउंट कितना रिसीव होना है? 1,10,500 पक्का कंफर्म ये रिसीव होना है? क्या जनवरी की सेविंग्स पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा? भाई लोन के सरप्लस फंड्स तो जनवरी से अवेलेबल थे ना यार, तो क्या आपने 5.5 मिलियन जनवरी में इन्वेस्ट नहीं किए? वो नहीं मिलेंगे आपको?
अब एक काम करें, 5.5 मिलियन पर लगाएं 6% मल्टीप्लाई बाय 1/12 कर दें, एक मंथ का इंटरेस्ट और निकाल लें 5.5 पर। इन्वेस्टमेंट तो आपने जनवरी में कर दी होगी, लेकिन जनवरी का क्योंकि आप बोरिंग कॉस्ट एक्सपेंस चार्ज कर रहे हो, तो उसकी इन्वेस्टमेंट इनकम को भी आप इनकम मानोगे, उससे आप कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को रिड्यूस नहीं करोगे। जवाब दो बेटा कितना, 5.5 का निकालो 6% मल्टीप्लाई बाय 1/12 कर दो, सब लोग। अब देखो एंट्री, देखो सब लोग फर्स्ट करो, ये इंटरेस्ट अब तक आपको रिसीव नहीं हुआ मान लो, तो आप बोलो इंटरसीएबल डेबिट 1,10,500 वो वाला जो फरवरी से लेकर अक्टूबर तक का है, और जनवरी वाला मिलाएं जरा, 1,10,500 प्लस 27,500 कितने हुए, 1,38,000। तो आपने कहा मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट इनकम जो रिसीव करनी है और रिसीवेबल है वो कितनी है, तो इंटरसीएबल डेबिट कितने से, 138,000 से। ये टोटल इंटरेस्ट है जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का, लेकिन इसमें से आपने अपनी कैपिटलाइज बोरिंग कॉस्ट कम की कितने से, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट कितने से, 1,10,500 से। यानी 138,000 में से आपने 110,500 का इफेक्ट किस पे लिया, उस बोरिंग कॉस्ट पे लिया जो आपने कैपिटलाइज की थी, के ये पैसा इन्वेस्ट होने से मैंने अपनी बोरिंग कॉस्ट रिड्यूस की, इतना इतना इंटरेस्ट पे करने के लिए मेरे पास पैसा वैसे ही आ गया, उसी लोन के पैसों से आ गया, तो लिहाजा मैंने अपनी बोरिंग कॉस्ट क्या कर ली, रिड्यूस कर ली, और जो इसके अलावा है वो मैंने क्या माना, इंटरेस्ट इनकम माना। कितने से, 27,500। जवाब दें, तो नाउ व्हाट इज द बैलेंस ऑफ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो रिक्वायरमेंट है हमारी। नाउ आफ्टर ऑल दीज ट्रांजेक्शंस व्हाट इज द बैलेंस ऑफ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, आफ्टर ऑल दीज ट्रांजेक्शंस व्हाट इज द बैलेंस ऑफ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस प्लीज, आफ्टर ऑल दीज ट्रांजेक्शंस व्हाट इज द बैलेंस ऑफ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये भी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट नंबर 3 है हमारी। तो इस रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, देखते हैं बेटा क्या है। तो हमने कहा जनाब ये रिक्वायरमेंट नंबर हम 3, बैलेंस ऑफ CWIP, ठीक है जी, बैलेंस ऑफ CWIP कैसे निकालेंगे जरा देखिएगा प्लीज। सबसे पहले अपने आप से सवाल करेंगे, एक्सपेंडिचर इनकर्ड वो जो खर्चे हुए थे, उन खर्चों से मैंने कितने अमाउंट से CWIP को डेबिट किया था, टोटल मैंने कितना एक्सपेंडिचर किया था CWIP के ऊपर, 1 फरवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 31 अक्टूबर को जो मैंने 12 लाख, 18 लाख और 10 लाख और 15 लाख की एंट्री बनाई है, टोटल मैंने CWIP को डेबिट कितने से किया हुआ है, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना इनकर हुआ है, 5.5 मिलियन का। ये तो प्योर खर्चा है, और फिर इस खर्चे को फाइनेंस करने की क्या है, कॉस्ट है,
तो ऐड कर दिया, बोरिंग कॉस्ट, बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज। तो जरा बताइए मैं इंटरेस्ट कितने से कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में डेबिट कर रहा हूं। मैं इंटरेस्ट डेबिट कर रहा हूं 504,167 से। इससे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन क्योंकि मैंने इस कॉस्ट को रिड्यूस किया है पैसा इन्वेस्ट करके, तो मैं जो अमाउंट है इस कॉस्ट को रिड्यूस करता हूं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को क्रेडिट करके, और जो क्रेडिट इफेक्ट है वो कितना है, 1,10,500 का। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट होता है 504,167 से, और जो इन्वेस्टमेंट इनकम है उसकी वजह से कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट होता है कितने से, 1,10,500 से। तो जो नेट अमाउंट मैं कैपिटलाइज करता हूँ बोरिंग कॉस्ट का, वो नेट अमाउंट कितना है, वो तो मैंने नेट अमाउंट कैपिटलाइज किया बोरिंग कॉस्ट का जो लिखा हुआ है पीछे, बेटा लिखा हुआ है ना, ये रहा 393,667। कितना हुआ बेटा, 5,893,667। तो जब तक आप इसको कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से शो करेंगे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के नोट में, तब तक इसका मतलब ये होगा ये एसेट अवेलेबल फॉर यूज नहीं है। अब इसको ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर मतलब अगर ये बिल्डिंग है तो इसको बिल्डिंग में ट्रांसफर कर दें, अगर ये प्लांट एंड मशीनरी है तो इसको प्लांट एंड मशीनरी में ट्रांसफर कर दें। और वो ट्रांसफर हम कब परफॉर्म करेंगे, वो ट्रांसफर हम परफॉर्म करेंगे अगले अकाउंटिंग पीरियड में, कब, 1 जनवरी 2019 को। और हमने एंट्री बनाई, क्या एंट्री बनाई, सर ये बिल्डिंग अब अवेलेबल फॉर यूज हो गई, बिल्डिंग डेबिट 5,893,667 से। और अब CWIP का हेड क्लोज कर दीजिए, इट मींस देयर इज नो मोर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, अब ये बिल्डिंग अवेलेबल फॉर यूज हो गई। जवाब दीजिए बेटा, कैपिटल CWIP नहीं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस CWIP, WIP और CWIP में फर्क हुआ बेटा, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये बिल्डिंग के अकाउंट में डेबिट हो गया पूरा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का अपना अकाउंट क्लोज हो गया, अब ये बिल्डिंग अवेलेबल फॉर यूज हो गई। और अब ये 2019 में क्या होगी, बिल्डिंग डेप्रिशिएट होगी, जैसे बिल्डिंग अवेलेबल फॉर यूज होगी उसकी लाइफ वहीं से शुरू हो गई। अब आप इसको 2019 से डेप्रिशिएट करें, और जब 2019 के एंड पर आप इसको प्रेजेंट करेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में, तो आप इसको प्रेजेंट करेंगे कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन पर। सिंपल सी बात है, क्या मुश्किल बात है बेटा, बताइए यहां तक कोई डिफिकल्टी हो तो बोलिए, सब लोग बोलिए, सब लोग बताइए प्लीज, क्लियर है सबको। अच्छा तो अगर मैं अब बनाता हूं क्या एक्सट्रैक्ट, किसके एक्सट्रैक्ट, SOFP एंड SOCI, तो एक्सट्रैक्ट क्या होंगे, यहां लिखा आपने क्या, कंपनी नेम, SOFP एक्सट्रैक्ट्स, एज ऑन 31 दिसंबर 2018 यहां लिख दिया रुपीज
यहां लिख दिया एसेट्स, फिर क्या लिखा, नॉन करंट एसेट्स, जवाब दे बेटा। उसमें क्या आएगा, पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, और उसमें क्या आएगा, सीडब्ल्यूआईपी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कितना है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, 5 मिलियन 893,667, ऐसा ही है, यही है। उसके बाद अगर मान लें कि इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ, तो करंट एसेट्स के अंदर, तो करंट एसेट्स के अंदर क्या है हमारे पास, इंटरेस्ट रिसीवेबल मौजूद है। टोटल कितने का, कि भाई टोटल 138,000 का हमने इंटरेस्ट रिसीव करना है, ठीक है जी। उसके बाद आप आते हैं कहां पर, दूसरे सेक्शन की तरफ, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। जवाब दीजिए बेटा, ठीक है जी। और इक्विटी में हमारे पास इक्विटी तो कोई मौजूद नहीं है, लेकिन लायबिलिटी जरूर मौजूद है। और लायबिलिटी कौन सी मौजूद है, सबसे पहले आएगी नॉन करंट लायबिलिटी। क्या हमारे पास कोई नॉन करंट लायबिलिटी मौजूद है, लोन तो खर्च कर दिया ना हमने, लोन तो खत्म हो गया, लोन बाकी है क्या, लोन खर्च नहीं हो गया सर, लोन से जनरेट होने वाला फंड खर्च हुआ है, लोन तो बाकी है। लोन एट 10% कितना, 5,500,000। और हमारे पास क्या है, करंट लायबिलिटीज हैं। और हम माने अगर कि हमने पूरे साल का अब तक इंटरेस्ट पे नहीं किया, तो वो इंटरेस्ट हम पर क्या हो गया, ड्यू हो गया, क्या बोलते हैं उसको, इंटरेस्ट पेएबल। टोटल कितना इंटरेस्ट ड्यू है हम पर, 5,50,000। ये आपका बन गया बेटा एसओएफपी का एक्सट्रैक्ट। ठीक है जी, इधर बना लें क्या, कंपनी नेम, और क्या बना लें, एसओसीआई एक्सट्रैक्ट। For the year ended 31st December 2018, जवाब दें बताइए। तो दो ही आइटम है जो प्रॉफिट लॉस से बिलोंग करते हैं, एक क्या है,
इंटरेस्ट इनकम है, और दूसरा क्या है? इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो जनवरी के मंथ की इंटरेस्ट इनकम 27,500, इसका इफेक्ट पॉजिटिव। अब बताइए जनवरी के मंथ का इंटरेस्ट एक्सपेंस जिसको हमने एक्सपेंस बनाया 40 कितना था, इसको हमने एक्सपेंस ट्रीट किया था ना बेटा, कितना था 45,833। तो ये एक क्वेश्चन मैंने जितनी भी पॉसिबल रिक्वायरमेंट के साथ आए कि अब आपसे पूछ सकता है, वो सारी रिक्वायरमेंट मैंने आपको कर दी है, ठीक है जी। अब जरूरी नहीं है पेपर में सब कुछ पूछे, लेकिन जो पूछे वो आपको आना चाहिए। अगर एसओएफपी एक्सट्रैक्ट पूछे, एसओएफपी एक्सट्रैक्ट बना लें, एसओसीए मांगे एसओसीए बना लें, नोट्स क्या कहते हैं आपको, आपसे ये क्या कहते हैं जनाब, वर्किंग मांगे किसकी, वर्किंग बना लें, एंट्रीज मांगे एंट्री बना लें, दैट्स ऑल। बताइए अभी हमने एक केस किया है, फिर अब उसके बाद हमने अगले क्लास के अंदर करना है किसको, जनरल बोरिंग कॉस्ट को, और फिर स्पेसिफिक और जनरल मिलाकर एक क्वेश्चन ऐसा भी करना है जिसमें एक वक्त में स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट भी हो, जनरल बोरिंग कॉस्ट भी हो, फिर बनेगा क्वेश्चन, फिर हम पहुंचेंगे आईकैप के लेवल तक, फिर हम सॉल्व करेंगे पास्ट पेपर्स। तो टॉपिक इतना इतना मतलब मजीद इसमें आपको थ्योरी नहीं बची, बस ये ट्रीटमेंट सिखाना है अभी आपको। हाँ जी, कोई बात जो यहाँ तक आपको डिफिकल्ट लगी हो, कोई बात, कोई सवाल करना, सवाल पूछे जवाब दीजिए बेटा प्लीज, कोई जल्दी बताइए, कॉपी करना है कॉपी कर लीजिए, हरी अब जल्दी से बेटा प्लीज। FAR 2 के, हाँ बिल्कुल बेटा, FAR 2 के पास पेपर से निकालेंगे क्वेश्चन जरूर, FAR 2 के पास पेपर के क्वेश्चन करेंगे। पहले टॉपिक FAR 2 में था, अभी FAR 1 में। इंटरेस्ट रिसीवेबल समझ नहीं आया, बड़ी सिंपल सी बात है, जो पैसा आपके पास इजाफी पड़ा हुआ है जनवरी से लेकर दिसंबर तक, उस पर कितना इंटरेस्ट बनता है वो कैलकुलेट कर लीजिए। तो जनवरी को आपके पास कितना फंड आया, 5.5 मिलियन, वो पूरा 5.5 मिलियन जो है वो आपने इन्वेस्ट किया कर दिया जनवरी के मंथ में। तो 5,500 को मल्टीप्लाई बाय 0.06 करें और मल्टीप्लाई बाय 1/12 करें तो आपको जनवरी की इंटरेस्ट इनकम मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद फरवरी और ऑनवर्ड्स इंटरेस्ट इनकम हमने कैलकुलेट की हुई है, वो कितनी है, 1,10,500। तो जनवरी का इंटरेस्ट और फरवरी ऑनवर्ड्स इंटरेस्ट मिला के टोटल इंटरेस्ट हमने कितना रिसीव करना है, 138,000। तो आप जनवरी के इंटरेस्ट को ना भूले ना, इंटरेस्ट रिसीव तो जनवरी का करना है, रिसीवेबल एक अलग एलिमेंट है, वो डेबिट आइटम है, लेकिन क्या जो इंटरेस्ट रिसीव करना है वो मैं कैपिटलाइज कर रहा हूँ या मैं उसको अलग से इनकम मान रहा हूँ? तो जनाब जनवरी के इंटरेस्ट को क्या कर रहा हूँ, मैं अलग से इनकम मान रहा हूँ। तो इंटरेस्ट रिसीवेबल को मैंने ट्रीटमेंट के लिहाज से दो हिस्सों में तोड़ दिया, इंटरेस्ट रिसीवेबल के क्रेडिट इफेक्ट को मैंने दो हिस्सों में तोड़ दिया। टोटल इंटरेस्ट जो है वो 138,000 का इंटरेस्ट रिसीव करना है जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का, लेकिन उसमें से 110,000 के इंटरेस्ट को मैंने 110,500 के इंटरेस्ट को मैंने कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से क्रेडिट किया, और बाकी इंटरेस्ट को मैंने क्या मान लिया, इनकम मान लिया। तो 27,500 जो इजाफी आ रहा है वो जनवरी का इंटरेस्ट है। आप सिंपल एक काम करें, जनवरी 1 को हमारे पास फंड अवेलेबल हुए 5,500 के, 5.5 मिलियन के, रुपीज इन थाउजेंड में 5,500, उसको मल्टीप्लाई बाय 0.06 करें, मल्टीप्लाई बाय 1/12 करें, 27,500 इजाफी आ जाएगा। तो इसका मतलब आपको जो इंटरेस्ट रिसीव करना है वो जनवरी का भी तो रिसीव करना है कि नहीं करना? अब रिस्पॉन्स करें बेटा, जब बात समझ में आती है नहीं आती रिस्पॉन्स कर दिया करें प्लीज, ताकि पता लगे, वरना बंदा बोलते ही रहता है। पर रिस्पॉन्स करें प्लीज। तो जनवरी का इंटरेस्ट मिलाकर अब मिलाएंगे 1,10,500 में 27,500। ये आ गया पार्किंग वाला पेज। ये आ गया।
तो 1,10,500 फरवरी से लेकर 31 अक्टूबर की कैलकुलेशन है। इसमें मैंने जनवरी की कैलकुलेशन शामिल नहीं की क्योंकि वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से एडजस्ट नहीं होना था। लेकिन जब एंट्री बनाने की बारी आएगी तो उसमें रिसीव तो होना है ना, वो जनवरी का इंटरेस्ट में रिसीव करूंगा उसको कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से क्रेडिट नहीं करूंगा, उसको मैं अलग से इनकम मानूंगा। लेकिन रिसीवेबल के लिहाज से तो वो आएगा ना, रिसीव तो मुझे होना है ना वो इंटरेस्ट, क्योंकि जनवरी के अंदर भी तो मैंने इन्वेस्टमेंट की होगी ना। 5,500 या 5.5 मिलियन जो है मेरे पास जनवरी से जनरेट हुए, तो वो फंड मैंने जनवरी में भी इन्वेस्ट किया होगा, लेकिन मैंने उसकी इनकम को CWIP से क्रेडिट नहीं किया। 27,500 को मैंने इनकम मान लिया क्योंकि जनवरी का इंटरेस्ट अगर एक्सपेंस बनाए उस लोन का जिसके जरिए 5,500 क्रिएट हुए थे, तो इस 5,500 जो इनकम क्रिएट होगी वो भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में उससे मैच हो जाएगी। मैचिंग कॉन्सेप्ट समझ लें, ठीक है जी? तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी बेटा, ठीक है जी? तो यहां तक इसको स्टॉप कर रहे हैं, इंशाल्लाह बाकी सारी बात अगली क्लास में करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।